हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। क्या कैरेक्टर है जरा बताइए हमको। इस फिल्म में मैं हीरोइन की माँ की माँ बनी हुई, यानी नानी बनी हुई। क्या रोल आपका, क्या कैरेक्टर है, किस तरह का कैरेक्टर है इसमें? ये काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर है जो हमारी बेटी के साथ नए शादी हुआ है। विलेन है, संजय पांडे ने जलाकर मार डाला था, उसका रिवेंज मैं लेना चाहती हूँ। मैं दुनिया के सामने जाहिर करना और चाहती हूँ कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है, वो जली नहीं है, क्योंकि उसने अफवाह ये उड़ाया हुआ कि हमारी बेटी किचन में जलकर मर गई। पर वास्तविकता ये होती है, असलियत ये होती है कि उसे मार देता है, जला देता है, उसके लिए मैं रिवेंज। तो या जिस तरह आप तो पूरा पुराने इतने बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन आपके साथ में जो हीरोइन है वो आपकी जो मतलब नाती बनी है, तो ये सब नए नए बच्चे लोग हैं, किस तरह का उन लोगों का केमिस्ट्री है आपके साथ में काम करने? शुरुआत हर किसी का नएपन से ही होती है, जो भी शुरू होता है वो नया ही होता है। बाद में जाकर अमिताभ बच्चन बनते हैं, शाहरुख बनते हैं या हेमा जी। तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे भी अपने कैलिबर के बल पर, अपनी कोशिश के बल पर कल हमारी इंडस्ट्री के नए हीरो हीरोइन बने और नाम कमाए। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, प्यारे से। डायरेक्टर के लिए क्या कहेंगे? हाँ, ब्रिज जी के लिए क्या कहना, तो गागर में सागर हैं उनकी, तो उनके बारे में तो कुछ भी कहना कम होगा। काफ़ी अनुभवी और बहुत अच्छे दिग्दर्शक डायरेक्टरों में उनका नाम है, शुमार है। और आपका आने वाली फिल्म क्या क्या है अभी? आपका आने वाली फिल्म और कुछ है? सर ये क्वेश्चन ज़रा कठिन हो जाता है, क्योंकि काफ़ी फिल्में हैं, कई फिल्में हैं, किस किस का नाम गिनाऊं मैं, कुछ याद रहता है कुछ नहीं भी याद रहता है, बस ऐसे ही आप लोगों से मुलाकात होती रहे। ये इस फिल्म के जरिए दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस फिल्म का मूल उद्देश्य और पब्लिक जो टीनेजर लव स्टोरी? मेन उद्देश्य तो होता है सबसे पहले तो मनोरंजन, वो इसमें भरपूर है, गाने भी अच्छे हैं और कहानी भी बहुत अच्छी है। लव स्टोरी है जो हमेशा युवा रहती है, कोई भी लव स्टोरी प्रेम कहानी कभी पुराना नहीं होता है। पहले भी काफ़ी लोगों ने, राज जी से लेकर काफ़ी लोगों ने बड़ी बड़ी प्रेम कहानी बनाई और सक्सेस हुई। थैंक यू। सबसे बड़ा बात कि इतना देर बतिया आई को पूरी नाम है हमारा खुद शर्मिंदगी लाता, आप सबके नाम करते रही, अब बोर्ड लगे के नाते आशीर्वाद भी देता रही, और हम चाहते नहीं कि हमेशा आप उनसे मुलाकात हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.